गहरा सांस लेंगे और छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे। एक और गहरा सांस लेंगे और छोड़ते हुए पूरे 3 लोग को अपने मन की आंखों के आगे लाएंगे। नारकियों को देखेंगे, असंख्यात नारकी वर्तमान में अनेक दुखों को भोग रहे हैं। कोई भी दूसरा नारकी उनकी कोई मदद नहीं करता। इतने दुख होने के बावजूद भी कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं करता। कोई भवनवासी देव आकर के भी उनका कोई भला नहीं करता। देखें, उनके लिए सब लोग अन्य हैं। अब त्रियंच गति के जीवों को देखेंगे। पंछियों में भी अगर कुछ पंछी साथ में कुछ समय बिताते हैं या रहते हैं, तो वो भी स्वार्थवशी एक दूसरे की के प्रति सहानुभूति को लिए हुए, अच्छी भावनाओं को लिए हुए रहते हैं। विपरीत अवस्था होने पर वो ही त्रियंश दूसरे के विरुद्ध हो जाता है और अगले भव में सारे संबंधों को प्रकृति छुड़वा देती है। अब अपनी मन की आंखों के आगे मनुष्यों को लाएंगे। हम दूसरों के लिए तभी तक राग करते हैं जब दूसरा हमारे अनुकूल है। प्रतिकूल होने पर हम उससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। हमें उसकी अमूक पर्याय, कुछ पर्याय ही हमें उसकी सुहाती है, जिसमें हमारा स्वार्थ सधता है, हमारा संबंध दूसरों के साथ भी अपने स्वार्थ को लिए हुए है। हम किसी आत्मा से वास्तविकता में राग नहीं करते। मात्र अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। ऐसे ही दूसरा जीव भी
मात्र अपने स्वार्थ को हमसे पूरा करता है। इस तीन लोक को देखें, सारे संबंधों को देखें, मध्य लोक में मनुष्यों के बीच में अनेक प्रकार के संबंध, पति पत्नी पुत्र मित्र, पशुओं के बीच में संबंध, पंछियों के बीच में, जमीन पर चलने वाले जीवों के बीच में, इत्यादि। स्वर्ग में देवों के बीच में संबंध को देखें। सब कोई अपने स्वार्थों को ही दूसरों से पूरा करना चाहते हैं। स्वार्थ पूरा होता रहता है तो राग रखते हैं, स्वार्थ नहीं होता तो राग भी खत्म हो जाता है। देखें इस पूरे तीन लोक को, अनादि से अनंत सारे संबंध स्वार्थ के हैं। अनादि काल से अपने जीवन काल को, अपने जीवन को देखें। सारे संबंध मेरे जितने भी हुए वो स्वार्थ को लिए हुए ही हुए। अब दूसरी दृष्टि से देखते हैं, जितने भी संबंध मेरे को मिले वो कर्मवशात ही मिले, अनुकूल कर्मों से अनुकूल संबंध मिले, प्रतिकूल कर्मों से प्रतिकूल संबंध मिले। अगर मुझे किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो उसमें मूल कारण मैं खुद था, मेरे विचार, मेरी कषाय, मेरे बर्ताव ही उसमें मूल कारण था। और अगर सामने वाले के अच्छा बर्ताव था तो उसमें भी मूल कारण मैं था। अनादि काल से जितने भी संयोग मेरे को मिले कर्मों की वजह से ही मिले, ना कोई मेरे लिए अच्छा ना कोई मेरे लिए बुरा रहा। अब तीन लोक में सारे जीवों को देखें, नारकियों को, त्रियंचों को, मनुष्यों को, देवों को, सबके संबंध कर्मवशात ही होते आए हैं और होते रहेंगे। ये सारे संबंध मेरे से अन्य हैं, पुत्र
अन्य है, पिता अन्य है, माता अन्य है, पत्नी अन्य है, चाचा मामा ताऊ मित्र शत्रु सब अन्य है। मेरी यात्रा सबसे अलग है, ये कोई भी मेरा नहीं है। मेरे जीवन के सुख दुख की पूरी 100% जिम्मेदारी मेरे अपने ऊपर ही है। अब नेमिनाथ भगवान के बारे में ध्यान करेंगे। दीक्षा काल में जिन्होंने जिस राजुल से विवाह करने जा रहे थे उसको अन्य समझ करके 12 भावनाएं भा करके उससे विरक्त हो गए। अपने 3 खंड के जो राज्य था वहां पर बंधु थे, माता पिता इत्यादि सबको अन्य समझ करके विरक्त हो गए। ऐसे नेमिनाथ भगवान का विचार करें। अभी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।